हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब ठीक है, आपके सारे बार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं फ्रेंड्स बार्ड के ब्रीडिंग के ऊपर कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने बार्ड को जल्दी ब्रीडिंग पे ला सकते हो। पहला जो मेरा टॉपिक है वो है फिंच बार्ड केज साइज। फिंच बार्ड को ब्रीडिंग कराने के लिए जो प्रॉपर केज साइज चाहिए वो है 18x18 का केज। उसमें फिंच बार्ड अच्छे से फ्लाई कर सकता है, मेटिंग कर सकता है और उसमें फिंच बार्ड को चर्बी भी नहीं लगता। और आप उससे छोटा केज देंगी तो उसमें मादी को चर्बी लगने का डर रहता है, वो ठीक से एक नहीं देता, एक देता भी तो उससे बच्चे नहीं निकलता। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है मेल फीमेल। आप अगर फिंच बार्ड की ब्रीडिंग कराना चाहते हो तो मेल फीमेल तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप मेल फीमेल नहीं पहचानते तो मेरा वीडियो देख सकते हो या किसी पहचान वाले फ्रेंड के घर से लो जो आपको मेल फीमेल दे। तीसरा जो मेरा पॉइंट है एडल्ट और सेमी एडल्ट के ऊपर। आप अगर पहले बार फिंच ले रहे हो तो आपको एडल्ट बार्ड ही लेना चाहिए, क्योंकि एडल्ट लाएंगे तभी वो 10 दिन या 20 दिन के अंदर एक दे देगा। अगर आप सेमी एडल्ट लाएंगे तो वो ब्रीडिंग करने में 4 या 5 महीना लगा देगी। उसमें आपका फिंच के ब्रीडिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ही नहीं रहेगा, इसलिए आप एडल्ट फिंच ही लाओ। चौथी जो मेरा पॉइंट है वो है एक फूड और ग्रीन वेजिटेबल। आप अपने फिंच बार्ड को सप्ते में एक बार, दो बार, किसी 3 और 4 दिन के बाद एक बार फिंच एक फूड दो। एक फूड देने से आपका फिंच बार्ड जल्दी ब्रीडिंग मूड पर आएगा और ब्रीडिंग करेगा। ग्रीन वेजिटेबल छोटे छोटे काट के देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग में मदद करेगा। ग्रीन वेजिटेबल पे विटामिन ई है जो बार्ड के एक में फर्टिलिटी लाने का, ज़्यादा बच्चे निकलने के चांसेस को बढ़ाता है, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल देना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा पांचवा जो पॉइंट है कैल्शियम। आप केज में कैटल बोन फिश या जिसे हम हिंदी में समुद्री झांग बोलते हैं वो रख दे, क्योंकि बार्ड को जब एक देने के टाइम आएगा उसको कैल्शियम चाहिए होगा, वो उस कैटल फिश बोन को खाएगा और उसके एक देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप फिंच के बार्ड के अंदर नहीं, कैल्शियम की कैटल फिश बोन अगर आप फिंच के केज के अंदर नहीं रखोगे तो वो अपने ही एक को खा लेगा और ज़्यादा एक नहीं देगा, एक देगा और उसे भी खा लेगा। और इससे आप बचना चाहते हो तो केज में कैटल फिश बोन ज़रूर रखें। मेरा जो छवा पॉइंट है वो है नेस्ट बॉक्स। अगर आप फिंच को जल्दी ब्रीड पे लाना चाहते हो तो फिंच बार्ड लाने के बाद ही आप नेस्ट बॉक्स मत दो, 5 या 6 या 7 दिन के बाद ही नेस्ट बॉक्स लगाओ। मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं किसी भी प्यार को नए केज पे देने के बाद 6 या 7 दिन बाद ही नेस्ट बॉक्स लगाता हूँ, कोई भी कोने में लगा दो। मेरा जो 7वां पॉइंट है नेस्टिंग मटेरियल्स। आप नेस्ट बॉक्स अथवा नेस्ट बास्केट देने के 2 या 3 दिन बाद ही नेस्टिंग मटेरियल दो। मैं तो नारियल का जो छिलका होता है, नारियल फाइबर, उसको और ग्रीन ग्रास को सुखा के यूज़ करता हूँ, उससे मैं बहुत अच्छा रिजल्ट आता हूँ, आप लोग भी वो यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर एक वीडियो है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। आप जब नेस्टिंग मटेरियल दोगे तो मेल उस नेस्टिंग को लेके नेस्ट बॉक्स में अपना नेस्ट बनाएगा, उसके बाद ही वो एक देगा। मेरा 8वां जो पॉइंट है वो है सेफ प्लेस। आप अपनी बाट को एक सेफ प्लेस में रखें जहाँ पर कोई कुत्ते या बिल्ली या बड़े बाट का डर नहीं रहेगा, तभी वो बहुत जल्दी ब्रीड करेगा। अगर आपके बाट जहाँ पर आप रखे हो वहाँ पर सेफ फील करेगा खुद को तभी वो ब्रीड करेगा, उसके सेफ नहीं फील करेगा तो अब वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। और ब्रीड कर भी ले तो एक को छोड़ देगा, एक इनक्यूबेट नहीं करेगा, और इनक्यूबेट भी करेगा तो वो बच्चे को नहीं खिलाएगा, बच्चे मर जाएगा, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है।
मेरा जो नौवां पॉइंट है वो है मेडिसिन। आप इसको मल्टीविटामिन भी यूज़ कर सकते हो, विटामिन ई और बहुत कुछ जो मल्टीविटामिन मिलता है A to Z, मैं जो यूज़ करता हूँ वो सब यूज़ कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद भी 2-3 महीने के बाद भी आपका वाटर ब्रीडिंग नहीं करा तो आपको डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा। शायद तो आप जहाँ से खरीदे हो उस लोगों ने डीवॉर्मिंग नहीं कराया, इसलिए आपके वाट एक नहीं दे रहे हो दे रही दे नहीं रहा है, इसलिए आपको डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा। मैं एक डीवॉर्मिंग का वीडियो भी बनाऊंगा 2-3 दिन के बाद, आप वो भी देख सकते हैं। और मैं यूज़ करता हूँ पाइपराजाइन सिरप, जो वेटरनरी सिरप है वो किसी भी वेट शॉप पे आपको मिल जाएगा। और 2 या 4 ड्रॉप अपने वाट के खाने का जो जो पीने का जो पानी है उसमें दे देंगे तो हो जाएगा, पर 15 दिन के बाद तो रिपीट करना पड़ेगा तो डीवॉर्मिंग हो जाएगा। उसके बाद आप मल्टीविटामिन 2 10 दिन या 12 दिन के लिए रोज जो पीने का पानी है उसमें 2 ड्रॉप तो आपके बाद जरूर ब्रीड पे आएगा। फिर भी अगर आपका वर्ड ब्रीड पे नहीं आता तो उसको ब्रीडिंग फॉर्मूला खिलाना पड़ेगा, वो भी मेरा वीडियो कर है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब आप अपने वाट के ऊपर ट्राई कीजिए और आपका वाट जरूर ब्रीडिंग करेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो कोने में बेल बटन आएगा उसको ज़रूर दबाइए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।